नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्टडी मेरा और मैं हूँ डॉक्टर तनुजा। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉरीफेरा के बारे में, यानी कि फाइलम पॉरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उन पॉइंट पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे ल्यूकोसोलेनिया। तो ल्यूकोसोलेनिया क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए डिले नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ल्यूकोसोलेनिया जो है उसका एक कॉमन नेम है, उसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप स्पंज। ऑर्गन पाइप स्पंज इसको बोलते हैं क्योंकि ये पाइप की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको ऑर्गन पाइप स्पंज के नाम से भी जानते हैं। तो जो इनके कॉमन नेम है वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप उसको याद रखिएगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पॉरीफेरन्स हैं जहाँ पे उनके कॉमन नेम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसका नाम याद रखिए, इसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप स्पंज। ठीक है, बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो ल्यूकोसोलेनिया है वो इस तरह से दिखता है। इसका नाम ल्यूकोसोलेनिया क्यों पड़ा है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि कितना सारा जो है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक साथ, जो एक गुच्छे की तरह, फ्लावर की तरह भी दिख रहा है ये, तो एक साथ ये दिखाई देते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में दिखाई देते हैं। हाँ, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कॉलोनियल होते हैं, सॉलिटरी नहीं होते हैं। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। सिस्टमेटिक पोजीशन में इसको फाइलम पॉरीफेरा में रखा गया है। क्लास इसकी कैलकेरिया है, ऑर्डर इसका होमोसीला है, जीनस जो आप जानते हैं ल्यूकोसोलेनिया हो गया। इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं लेकिन हमको जीनस के बारे में ही फोकस करना है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका नाम ल्यूकोसोलेनिया क्यों पड़ा। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, यानी कि वाइट कलर, तो ये सफेद रंग का दिखाई देता है जिसकी वजह से इसको ल्यूको बोला गया है। ल्यूको जो है, आपको जहां भी ये वर्ड दिखेगा वहां आप समझ जाएंगे कि ये वाइट, कुछ वाइट वाइट कलर का कुछ होता है। तो ये वाइट कलर का स्पंज है और इसलिए इसको हम ल्यूकोसोलेनिया के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट स्पंज है, यानी कि अगर हम सिंपल स्पंज की बात करें एंड हम बात करें अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो इनका स्ट्रक्चर होता है स्पंज का, तो उसमें ये नहीं आता है। ये बहुत ही सिंपल सा स्पंज है और इसीलिए इसको जो है ये सबसे स्मॉल स्पंज भी होता है, सबसे सिंपल स्पंज होता है। तो आप इसको इस तरह से याद रखिए, ये बहुत ही प्रिमिटिव स्पंज है। यानी कि सबसे पहले जो वो ओरिजिन हुआ था, तो सबसे पहले जो है ये जो ल्यूकोसोलेनिया है, इस टाइप के स्पंजेस का पॉरीफेरा में ओरिजिन हुआ था। बहुत ही स्मॉल होता है, डेलिकेट है, सेसाइल है, यानी मूवमेंट नहीं करता है। वैसे तो हम पॉरीफेरा में देखते ही हैं कि काफ़ी सारे जो पॉरीफेरेंस होते हैं वो सेसाइल ही होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं वहाँ से मैच करेंगे, उनको आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो में, तो आप इसको देखिए आगे। तो ये क्या होता है, सेसाइल होता है, ब्रांच्ड होता है, कॉलोनी की फॉर्म में होता है, मरीन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है कि कैसा होता है, मरीन होता है, फ्रेश वाटर नहीं होता है। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ये शैलो वाटर में मिलता है, लो टाइड्स में मिलता है, सी शोर्स के रॉक्स पे अटैच मिलता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है बता ही दिया है मैंने कि ये व्हाइटिश और या वाइट कलर, कभी कभी येल्लो जैसा हो जाता है जब वो गंदा हो जाता है, तो उसी तरह से ये येल्लोइश भी दिख सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसकी सिमेट्री कैसे होती है, तो इसकी सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है और ये वास शेप्ड यानी कि गुलदस्ते की आकार का भी दिखता है। अब कॉलोनी की फॉर्म में दिखता है तो अभी ये कैसा लगता है, गुलदस्ते जैसा दिखता है, तो ये वास शेप्ड भी होता है। होलो होता है, सारे पॉरीफेरेंस होलो ही होते हैं, ट्यूब लाइक होता है। ठीक है, अब इसकी जो हाइट होती है वो 25 mm तक हो सकती है। अब हम इसकी बॉडी वॉल की बात करते हैं, तो बॉडी वॉल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके पॉरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़े थे, तो वहां पे हमने बॉडी वॉल को भी डिस्कस किया था। तो उसी की तरह सेम ही कैरेक्टरिस्टिक है, बॉडी वॉल जो है वो दो टाइप के सेल्स की बनी होती है, जैसे कि पिनाकोसाइट्स जिसको हम एपिडर्मिस बोल सकते हैं एंड कोएनोसाइट्स जिसको एंडोडर्मिस बोल सकते हैं। तो पिनाकोसाइट को जो सेल्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, पिनाकोडर्म बनाते हैं। तो पिनाकोडर्म जो है वो क्या होती है, वो एक आउटर कवरिंग होती है ल्यूकोसोलेनिया की, जिसमें फ्लैट सेल्स होते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, बहुत सारी शेप्स हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकते हैं, और उन सेल्स को क्या बोलते हैं, पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। अब बॉडी वॉल में क्या होता है कि एक स्पेशल लार्ज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं,
पोर सेल्स कहते हैं या फिर पोरोसाइट्स कहा जाता है पोर सेल्स को, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनको मॉडिफाइड पिनेकोसाइट्स बोला जाता है, यानी कि ये पिनेकोडर्म का ही पार्ट है, जो कि पिनेकोसाइट्स जो हैं कुछ सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई होके क्या बना लेते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं पोरोसाइट्स। अब हम बात करते हैं क्वेनोडर्म की, तो क्वेनोडर्म को कौन बनाता है, क्वेनोडर्म को बनाते हैं क्वेनोसाइट्स सेल्स। अब क्वेनोसाइट सेल्स मैंने आपको पहले भी बताया है कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला पाई जाती है इनके अंदर, और ये जनरली क्या होते हैं कि इनका फंक्शन जो जनरली होता है वो फीडिंग का होता है, फीडिंग में हेल्प करते हैं, वाटर करंट में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिला की मूवमेंट जो है वो बहुत सारे पर्पस के लिए काम ली जाती है पोरीफेरा के अंदर, तो क्वेनोडर्म का वही काम होता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं स्पर्म्स का ओवा तक, तो इस तरह से ये काफी सारे मतलब प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। तो जनरली ये फूड इनटेक में हेल्प करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं, किसकी, किसी भी पोरीफेरा की, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो सेल्स हैं क्वेनोडर्म, जो पोरीफेरा का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि क्वेनोडर्म क्वेनोसाइट्स जो है वो पोरीफेरेंस का स्पेशल कैरेक्टर है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, एक जनरल अगर हम इसको इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करें तो ये इस तरह से होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पिनेकोसाइट्स सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, फिर पिनेकोसाइट्स सेल्स क्या बना रहे हैं, ये आउटर कवरिंग बना रहे हैं, जिसको हम पिनेकोडर्म बोल देते हैं, बहुत सारे पिनेकोसाइट्स मिलकर पिनेकोडर्म बनाते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑस्टिया दिख रहा है, यहाँ पे कुछ छेद टाइप के दिख रहे हैं जहाँ से वाटर जो है वो अंदर की साइड में स्पंज के एंटर करता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल दिख रहे हैं, आगे हम इसकी बात करेंगे कि ये क्या होता है। मीजेनकाइम दिख रहा है, पॉरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक को जब हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने आपको मीजेनकाइम के बारे में बताया था कि मीजेनकाइम क्या होती है, पिनेकोडर्म एंड क्वेनोडर्म के बीच का पार्ट, यानी कि इस लेयर के और इस लेयर के बीच का पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, उसे मेजेनकाइम बोलते हैं। मेजेनकाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक जिलेटिनस लेयर है, जिलेटिनस इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस मैट्रिक्स टाइप का होता है, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मेन यहाँ पे अमीबोसाइट सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पिक्यूल्स की, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स क्या होते हैं। पोरोसाइट, देखिए यहाँ पे पोरोसाइट सेल्स दिख गए, तो ये पोरोसाइट सेल्स क्या हैं, अभी मैंने आपको बताया पोर लाइक सेल्स हैं जो कि पिनाकोडर्म से निकल पिनाकोडर्म से ही पिनाकोसाइट्स से ही बनते हैं, और इस तरह से ये बॉडी में स्पंज की प्रेजेंट होते हैं। क्वेनोसाइट सेल्स आप जानते ही हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिनको अंदर की साइड में जो कि लगे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको अमीबोसाइट के बारे में बता दिया है, वाटर करंट आता है जो कि ऑस्टिया की हेल्प से अंदर की साइड में आता है, कहाँ जाता है, स्पॉन्जोसील में या सेंट्रल कैविटी में, जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, कि इसके अंदर वाटर करंट जो है किसकी सहायता से आता है, ऑस्टिया की सहायता से अंदर स्पॉन्जोसील में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑस्कुलम प्रेजेंट है, ऑस्कुलम से वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये एक यहाँ पे क्या हो गया, ये मतलब एक ओवरव्यू हो गया कि किस तरह से ल्यूकोसोलेनिया का एक सिंपल स्ट्रक्चर है स्पंज का, आप इसको समझ सकते हैं इस स्ट्रक्चर से ही। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि आपको इन सेल्स के नाम याद रखने हैं, इन सेल जो भी इनकी फॉर्मेशन में जो सेल्स होती है इनके नाम याद रखने हैं, इनका काम याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में वो चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे एक ये टीएस है जो कि अब सेमी है, सेंट्रल कैविटी है, ठीक है, और ये भी एक पार्ट है जो कि एक व्यू आप समझ सकते हैं कैसे वाटर एंटर करता है और किस तरह से एक्सक्रेशन होता है, यहाँ पे एक्सक्रेशन हो रहा है, यहाँ से रेस्पिरेशन इस तरह से होता है, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। मीजेनकाइम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि पिनाकोडर्म एंड जो क्वेनोडर्म है उसके बीच में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे अमीबोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, आपके मीजेनकाइम में बहुत सारे अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अमीबोसाइट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर, उनसे
बहुत टाइप के सेल्स बनते हैं, बहुत ही टाइप के सेल्स बनते हैं जहाँ पे उन सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्कियोसाइट सेल्स की। तो आर्कियोसाइट सेल्स क्या होते हैं? आर्कियोसाइट सेल्स की बात करें तो ये आर्कियोसाइट सेल्स हैं, ये लार्ज सेल्स होते हैं, काफी बड़े बड़े सेल्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, स्यूडोपोडियम जो है वो कैसा होता है, ब्लंट होता है, न्यूक्लियस इसके अंदर लार्ज होता है। दिस कंटेन मच आरएनए एंड कैरी ऑन ऑल दी फंक्शंस इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ स्पंज। तो ये आर्कियोसाइट सेल्स जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस आर्कियोसाइट सेल से। तो आप याद रखें कि आर्कियोसाइट सेल्स जो होते हैं वो अमीबोसाइट सेल से ही बनते हैं, और वहां पे क्या होता है, ये काफी बड़े सेल्स होते हैं और इनका स्ट्रक्चर हालांकि इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि इसमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया ब्लंट होता है, यानी कि शार्प नहीं होता। जैसे कि अमीबा में होता है ना स्यूडोपोडिया, उसी तरह से यहाँ पे इसको अमीबोसाइट बोला गया है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्यूडोपोडिया टाइप के निकले होते हैं, तो उसीलिए उसका नाम जो है वो अमीबोसाइट सेल बना है। तो अब अमीबोसाइट से बना क्या, आर्कियोसाइट। तो आर्कियोसाइट में कैसा स्यूडोपोडिया होता है, ब्लंट होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, बड़ा होता है। दिस कंटेंट मच आरएनए, आरएनए बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनको डिफरेंट फंक्शंस करने होते हैं, इनको स्पर्म्स एंड ओवा की फॉर्मेशन भी करनी होती है। तो इस तरह से ये काफी मतलब हेल्पफुल होते हैं आर्कियोसाइट सेल्स। नेक्स्ट आते हैं आपके स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं, जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं ये अपना जो ल्यूकोसोलेनिया है या फिर कोई भी पोरिफेरल स्पंज है उसमें स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं। अब ये स्केलेटन जो है काफी हेल्पफुल होता है, स्केलेटन क्या करता है कि जो स्पंज है उसको मतलब काफी चीजों से बचाता भी है, उसमें स्पिक्यूल्स टाइप। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हमारे इसमें प्रेजेंट हैं ल्यूकोसोलेनिया में, ये जनरली कैसे होते हैं, ये कैल्कोब्लास्ट टाइप के होते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो स्क्लेरोब्लास्ट स्पिक्यूल्स हैं, या फिर स्क्लेरोब्लास्ट बोलेंगे या स्पिक्यूल्स बोलेंगे, कि जो ल्यूकोसोलेनिया में है उसमें किस टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, कैल्कोब्लास्ट होते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको कैल्कोब्लास्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे आप इसको जरूर याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थीजोसाइट सेल्स की। तो थीजोसाइट सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें फूड जो होता है ना स्पंज का, वो रिजर्व फूड जो है वो उसको कलेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि कभी कोई मतलब इशू हो, कभी कोई वैसी कंडीशंस आए तो उसको वो यूज कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है, थीजोसाइट सेल्स का काम क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रोमोसाइट्स। क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो ये कैसे होते हैं, ये पिगमेंटेड होते हैं, यानी कि पिगमेंट देते हैं, किसी भी स्पंज को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो क्रोमोसाइट सेल्स क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं स्पंज को। नेक्स्ट सेल्स आते हैं कोलेनोसाइट्स सेल्स। तो ये सेल्स जो होते हैं इसमें ब्रांचेस टाइप की निकली होती है, जैसे ऐसा एक सेल होगा उसमें इस टाइप से ब्रांचेस निकली होंगी, जिसको ब्रांच स्यूडोपोडिया बोला जाता है। तो इस स्यूडोपोडिया का जो है ये, इसकी वजह से इसको क्या मतलब, ये काफी सारे रेज लाइक स्यूडोपोडिया इसमें बने होते हैं। तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक को याद रखिए कि किसका कैरेक्टरिस्टिक है, कॉलेनोसाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, कि इसमें क्या होते हैं, ब्रांचिंग स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोबेबली नर्व सेल्स। तो ये क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि ये या तो कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं या फिर नर्व सेल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मायोसाइट्स। मायोसाइट सेल्स क्या करते हैं, ये जो मायोसाइट सेल्स होते हैं ना, ये जनरली प्रेजेंट होते हैं अराउंड ऑस्कुलम एंड ऑस्टिया। ऑस्टिया और ऑस्कुलम के चारों ओर ये मायोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्पंज को ओपन एंड क्लोज करने में, जो जो होल हो गया, ऑस्कुलम एंड ऑस्टिया क्या है, कोर लाइक स्ट्रक्चर है, होल है, तो वहां पे क्या होता है, उनको खोलना एंड बंद करना, ये सब इनके कंट्रोल से चलता है मायोसाइट सेल्स के। तो आप इसको याद रखिए कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, थिन सेल्स होते हैं, और क्या करते हैं, ये स्पिंचर का काम करते हैं, यानी कि सेल्स की जो ओपनिंग है, जो ऑस्कुलम एंड ऑस्टिया की ओपनिंग है, उसको खोलने एंड बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे स्पिक्यूल्स पे। तो स्पिक्यूल्स जो है, ये मैंने आपको अभी बताया कि स्पिक्यूल्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। अब ये निडिल लाइक होते हैं, ऐसे नुकीले टाइप के होते हैं स्पिक्यूल्स। ठीक है, तो आप ऊपर स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे जो ये देखिए स्पिक्यूल्स निकले पड़े हैं, किसी की तीन रेज टाइप की निकल रही हैं, कोई चार हैं, कोई सिंगल रेज टाइप का निकल रहा है।
तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि इसका स्पिक्यूल्स, ये देखिए यहाँ पे सिंगल स्पिक्यूल दिख रहा है आपको, एक सिंगल दिख रहा है तो इसको मोनो एक्सॉन बोलेंगे, और अगर इसमें ट्राई दिख रहा है तो टेट्रा एक्सॉन, ट्राई एक्सॉन बोलेंगे या ट्राई रेडिएट बोलेंगे। अगर चार आर्म्स दिख रही हैं तो आप उसको टेट्रा रेडिएट या ट्राई टेट्रा एक्सॉन बोल सकते हैं। तो इस तरह से इनका नाम होता है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो स्पिक्यूल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, पूरी बॉडी को एक तरह से स्केलेटन प्रोवाइड कराते हैं, उसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं स्पंज की, और एक रफनेस उसकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि ल्यूकोसोलेनिया में कितने टाइप के स्पिक्यूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मोनो एक्सॉन एंड टेट्रा एक्सॉन स्पिक्यूल मिलते हैं, लेकिन कभी कभी टेट्रा एक्सॉन स्पिक्यूल अगर टूट जाए साइड से तो उसमें कितने रेज रह जाएंगे, तीन ही रह जाएंगे। तो इसी तरह से वहाँ पे ट्राई एक्सॉन भी मिलता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको मोनो एक्सॉन, ट्राई एक्सॉन एंड टेट्रा एक्सॉन को आप टिक कर सकते हैं। और इसकी जगह पे यहाँ पे रेडिएट भी एक वर्ड है जो यूज किया जा सकता है कि मोनो एक्सॉन, ट्राई रेडिएट एंड टेट्रा रेडिएट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, जो कि किसमें मिलता है, ल्यूकोसोलेनिया में मिलता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, आगे चलते हैं कैनाल सिस्टम के बारे में। तो कैनाल सिस्टम जो होता है स्पंजस में एंड स्पेशली इन ल्यूकोसोलेनिया, बहुत ही सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है इसके बारे में कि जो ल्यूकोसोलेनिया है उसमें किस टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है, उसमें एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम क्या होता है, बहुत ही सिंपल एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। एक तरफ से पानी, इन करंट वाटर आता है, दूसरी तरफ से जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले बता रखा है, इसको ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस तरह से जो है बाहर से अंदर जो डर्मल ऑस्टियाँ हैं उनके हेल्प से पानी अंदर आया। पानी अंदर आने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्पॉन्जोसील है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, उसके अंदर आया और उसके बाद यहाँ पे ऑस्कुलम की हेल्प से बाहर निकल गया। तो बहुत ही सिस्टम जो है यहाँ पे कैनाल सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल टाइप का होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि यहाँ पे एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, किसमें, ल्यूकोसोलेनिया में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डाइजेशन की। तो डाइजेशन कैसा होता है इसका, इंट्रा सेलुलर होता है, सेल के अंदर इसका डाइजेशन होता है। किसकी हेल्प से, पहले तो कोएनोसाइट सेल्स के अंदर आता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं कोएनोसाइट सेल्स, उसकी हेल्प से जो फूड है वो अंदर आता है बॉडी के। उसके बाद क्या होता है, जब वो थोड़ा सा उसका पार्शियल डाइजेशन कर देते हैं कोएनोसाइट सेल्स, फिर वो जाता है आपके अमीबोसाइट सेल्स के पास में, जहाँ पे उसका पूरा डाइजेशन यानी कि फुली डाइजेस्टेड वो हो जाता है, और उसके बाद में वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है फूड। ठीक है, तो इसका जो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन वो कैसा होता है, वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। अब यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ना तो सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ना यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, या ना यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो डाइजेस्ट, सॉरी नॉट ऑर्गन, सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता, ना इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, ना एक्सक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये बहुत ही सिंपल होते हैं जो हमारे पॉरीफेरेंस हैं, यहाँ पे इस तरह से कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के थ्रू हो सकता है, रीजनरेशन होता है बडिंग के थ्रू, आप जानते ही हैं, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा में पढ़ा रखा है कि किस तरह से यहाँ पे बड बनती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पे क्या बनता है, पैरेन्काइमुला लार्वा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक स्टेज आती है जिसे बोलते हैं ओलियम्थस स्टेज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या होती है, इसको शॉर्ट लिव्ड यंग स्टेज बोलते हैं, यानी कि पैरेन्काइमुला लार्वा के बाद में एक जो छोटी सी एक स्टेज आती है जहाँ पे ये छोटा सा स्पंज बनता है, स्पंज, इसको यंग स्पंज बोलेंगे, यंग स्टेज बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं ओलियंथस स्टेज। इस ओलियंथस स्टेज को याद रखिए क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जो आपके एग, इसके पॉलीफेरन जो है उसका एग सेल एंड ओवा जो फ्यूज हुए, सॉरी स्पर्म एंड ओवा फ्यूज हुए, तो क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद में यहाँ पे जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ, डिवीजन से यहाँ पे उसके बाद में इस तरह से यहाँ पे सेल्स बने, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल्स बने। उसके बाद में आपका यहाँ पे
यहाँ पे आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ कॉलिकोब्लास्टुला लार्वा बना, उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, पेरेन्काइमुला लार्वा बना, और उसके बाद में ये यंग स्पंज बना, ओलिंथस स्टेज फाइनली इसका बन गया। इस तरह से ये पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जिसको आप समझ सकते हैं, सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जो आपको याद करना है वो आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है पेरेन्काइमुला लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, यानी कि डायरेक्ट स्पंज नहीं बनता है, पहले क्या बनता है, लार्वा बनता है जो कि फ्रीली स्विमिंग होता है, पानी के थ्रू उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसके बाद में वो जाकर कहीं भी जब उसको सबस्ट्रेटम मिलता है कोई, तो वहां जाके वो टिक जाता है और अपने आप को अटैच कर लेता है, और वहां पे एक छोटा सा यंग स्पंज की फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद ओलिंथस स्टेज बनती है, ये भी एक यंग स्टेज ही है। यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद में जब ये ग्रो करता है तो पूरा स्पंज बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं या फिर आगे आ सकते हैं, बन सकते हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू विच क्लास। तो बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया कि ल्यूकोसोलेनिया जो है वो कैल्केरिया का मेंबर है, आप इसको याद रखिए, अभी पूछा गया है, रिसेंटली 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलेनिया आर। तो प्रिंसिपल सेल टाइप्स कौन कौन से सेल्स मिलते हैं, जैसे सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन है वो है पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, क्वेनोसाइट्स या एंड अमीबोसाइट्स। तो ये मतलब कि इसका जो है वो किस तरह से पैटर्न रहता है, तो यही ये बाकी पिनेकोसाइट्स, क्वेनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, पोरोसाइट्स। तो आपको पता है कि पिनेकोसाइट्स जो है वो पोरोसाइट्स जो है वो पिनेकोसाइट्स पे ही लगे होते हैं, तो फिर इस तरह से बाकी के दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि पहले क्वेनोसाइट सेल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो इसका पैटर्न है वो पिनेकोसाइट्स, फिर पोरोसाइट्स, देन क्वेनोसाइट्स, फिर ये अमीबोसाइट्स होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए कि जो प्रिंसिपल सेल टाइप्स जो होते हैं इसकी बॉडी वॉल पे वो इस तरह के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है एस्क्लेनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2013 के TGT एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एस्क्लेनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम आपको बता ही दिया है मैंने, ल्यूकोसोलेनिया में मिलता है। ल्यूकोसोलेनिया क्या होती है, फ्रेश वाटर कॉलोनियल स्पंज है, मरीन एंड सोलेटरी है, कॉलोनियल एंड फेमली अटैच टू द सबस्ट्रेटम है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, वैसे तो ये मरीन होता है लेकिन सॉलिटरी नहीं होता, फ्रेश वाटर नहीं होता है, और तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, कॉलोनियल होता है एंड फर्मली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनल स्केलेटन ऑफ ल्यूकोसोलेनिया इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्केरियस। किस टाइप के स्पिक्यूल्स की बनी होती है, मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स, मोनोएक्सोन एंड ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स, ट्राई रेडिएट एंड क्वाड्री रेडिएट स्पिक्यूल्स, मोनोएक्सोन ट्राई रेडिएट एंड क्वाड्री रेडिएट स्पिक्यूल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मोनोएक्सोन ट्राई रेडिएट क्वाड्री रेडिएट स्पिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे गैमेट्स इन ल्यूकोसोलेनिया आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो जितने भी गैमेट हैं पॉरीफेरा में वो कहाँ से बनते हैं, वो आपके बनते हैं आर्कियोसाइट सेल से, ठीक है। पहले अमीबोसाइट सेल होते हैं आर्कियोसाइट, तो अमीबोसाइट से आर्कियोसाइट बने, आर्कियोसाइट से गैमेट्स बने। तो इस तरह से यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आर्कियोसाइट सेल्स है, लेकिन अगर कभी कभी एग्जाम में आर्कियोसाइट सेल्स नहीं दे रखा तो आप अमीबोसाइट्स को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिक्यूल्स ऑफ ल्यूकोसोलेनिया ऑरिजिन फॉर्म। तो कहाँ से बनते हैं, मैंने आपको बताया कि जो स्पिक्यूल्स हैं इसके वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, यानी कि ये कैल्कोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। यंग स्टेज ऑफ ल्यूकोसोलेनिया एज, अभी मैंने आपको बताया ओलिंथस, ओलिंथस इसकी यंग स्टेज होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत ही शॉर्ट है और आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इससे ज्यादा कहीं से कुछ नहीं आएगा। ल्यूकोसोलेनिया जो है वो इतना ही है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी से आप इस वीडियो को देख लेंगे और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पॉरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वीडियो देखना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे हमने काफी डिटेल में जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉरीफेरा के उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी में और आपके सिलेबस में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो हमारा ये जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आप इसको वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।